ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग अगर सही मायने में कहीं है तो वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वैसे तो जम्मू कश्मीर की हर जगह मन को मोहित करने वाली है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बारामूला में स्थित गुलमर्ग को जम्मू कश्मीर का दिल कहा जाता है। श्रीनगर से इसकी दूरी तकरीबन 52 किलोमीटर है। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पहाड़ियाँ बर्फ की चादर से ढकी रहती हैं और पर्यटकों का आना यहाँ सर्दियों में शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ की बर्फबारी, सुंदर झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और हरियाली से युक्त घास के मैदान टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की सैर पर आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये जगह स्कीइंग एक्टिविटी और गंडोला राइड और घुड़सवारी के लिए भी खूब प्रसिद्ध है, लेकिन इस समय यहाँ के पेशावरों का काम ठप पड़ गया है, जिसके चलते उन्हें घर चलाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जब डीवी लाइफ की टीम ने उनसे इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए तो पेशावरों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे, जिनका जो पेशा है यहाँ पर घोड़े जो चलाकर लेके जाते हैं टूरिस्ट को वो ऊपर तक, तो लेकिन अभी उनका जो धंधा है ना काफ़ी ज़्यादा उनका कहना है कि ठप हो चुका है। बाकी और भी कुछ उनसे बात करते हैं, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वो वोट देंगे, आइए इनसे बात करते हैं। देखो बहन, हमारे पास हर एक आता है, हमको हो गया एक महीना कि आप मजदूर जो भी है आपको रोज़गार मिलेगा, जो ये हमारा स्टैंड है स्टैंड नंबर एक और दो, जितना भी ये गाड़ियाँ थी ये पार्किंग के अंदर गुलमर्ग से अंदर घूम नहीं सकती थी, आज ये पूरा गुलमर्ग लोकल में घूमता है। हम लोग कम से कम 10,000 पब्लिक क्रैश हो गया, हमको खाने के लिए भी मिलता कुछ, जो भी टूरिस्ट है जहाँ मर्जी आता है वहाँ चला जाता है। पब्लिक ऐसे क्रैश हो गया, जब हमारा स्टैंड पार्किंग उधर है तो हम लोग गाड़ी के पीछे कहाँ दौड़ेगा, हम तो पोनी वाला है, जब एक स्टैंड में गाड़ी रुकता है, किसी टूरिस्ट को घोड़े में जाना है, किसी को क्या करना है, तो हमारा पेट पलता था। एक दो महीना हो गया, पूरा साल हमारे पेट का धंधा क्रैश हो गया। ये कब से हुआ है? ये एक साल हो गया इसको, जनवरी से, ये जनवरी से 370 हटने से, नहीं नहीं ये इस साल जनवरी जो साल से हुआ है, मार्च अप्रैल से ये ट्रैफिक इधर आ गया। किसने किया ये बदलाव? ये तो सब नेता लोग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, तो आज तक किसी ने नहीं किया हमारा काम। कितने सालों से आप ये काम करते आ रहे हैं? हमारा एज हो गया 50 साल। जब मैं काम करता था तो गाड़ी ऐसे नहीं घूमता था। ये गुलमर्ग के अंदर देखो कितना ट्रैफिक चल रहा है, ये सब टूरिज्म गाड़ी है, दिल्ली से आकर इधर आता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब लोग जो है ना घोड़े की सवारी करने की जगह अब वो कार से जाते हैं। हाँ, जब हमारा वो स्टैंड है ना, देखो उधर कोई है गाड़ी, गाड़ी बनाए गए यहाँ पर स्टैंड नंबर 1 स्टैंड नंबर 2, वहाँ पर गाड़ी पार्किंग होती थी, आगे ग्रीनरी बचती थी। जब गाड़ी टोल खुले छोड़ गए तो ग्रीनरी सब खराब हो गई ना, जो गुलमर्ग देखने के लिए आए थे ग्रीनरी खत्म हो गई। हमारे तो किसी की 100 साल हो गए एज यहाँ पर घोड़े चलाते, किसी की 50 साल है, किसी की यहाँ पर 2000 रजिस्टर्ड है घोड़े की, 1500 है स्लेज वाले की, 1700 है गाइडिंग की, जो गाइड जाते टूरिस्ट के साथ, तो पूरा रोज़गार हमारा ख़त्म कर दिया। अभी हम किसी भी ऑफिसर के पास जाते, किसी के नेता के पास जाते, वो बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, करने वाला कोई नहीं है, जब तक ये पूरा गुलमर्ग ही खत्म कर दिया। अभी इलेक्शन होंगे तो आप किसे देना चाहेंगे, मतदान होंगे? देखिए वो अपना अपना चॉइस है, सियासत आपको उम्मीद लग रही होगी कि कोई तो आपको दे। जिस नेता के पास जाते हैं, बात सुनो, जो भी नेता के पास जाते हैं कि वो बोलता है इलेक्शन के बाद इसको करेंगे, कोर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मजदूर को तो कोर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या है, मजदूर को दिन को कमाई करना है, शाम को बाल बच्चा पालना है। वही लोग यहाँ बनना चाहिए जो हम मजदूर लोगों को कदर करेगा, क्योंकि हम परेशान हो गया, वहाँ गाड़ी आता है स्टैंड में, स्टैंड में बाहर आता गाड़ी, हम लोग क्या करेगा, कैमरामैन खुद आप घुमा के देखो ना, हम क्या करेगा, हम हमारा धंधा कटा हुआ बेटा, हमारा धंधा कट गया। कैसे आप लोग अपना मतलब गुजारा कर पा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका धंधा काफी कम हो गया है, तो ये अप्रैल से हमारा बहुत मुश्किलात आ गया। पहले हम लोग जब गाड़ी पार्किंग में रुकता था, कोई 500 कमाता था, कोई 400 कमाता था, कोई 600 कमाता था, अपना रोजगार चलता था। अप्रैल से इधर बहुत बेरोजगारी हो गया, मजदूर भी यहाँ पे क्या कमा रहे हैं, टूरिस्ट घोड़े में ला कर घुमाते थे ना, तो जब डायरेक्ट टूरिस्ट घूमने लगा तो हम लोग कहाँ क्या करेगा।
वैसे भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से मैंने बात की थी, उनका ये कहना था कि धारा 370 हटने के बाद जो टूरिस्ट हैं वो भी कम हो गए आना, तो इस वजह से टूरिस्ट बढ़ता है। तो क्या उम्मीद है आपकी नई सरकार, जो भी सरकार आए उनसे क्या आपकी मांग रहेगी? हमारा कोई मुकाबला, कोई नौकरी नहीं है, कोई हमारा फैक्ट्री नहीं, हमको रोजगार मिलना चाहिए, मजदूर को पेट पलना चाहिए। हम टूरिस्ट से वाबस्ता, आप कहाँ जाएगा, हमको कोई नौकरी लगाएगा? आपके बच्चे क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं? बच्चा किसी ने पढ़ा, किसी ने कुछ, नौकरी तो मिलेगा नहीं। आज नौकरी कहाँ मिलेगा, हमारी मिलती नौकरी, नौकरी नहीं मिलता इधर। अगर नौकरी 5,000 आएगा तो 1 करोड़ फार्म भरता है, तो 500 को तो करोड़ को कहाँ यूज करेगा, गवर्नमेंट दे सकेगा करोड़ को? उसमें 10 हमारा जाएगा या 5 जाएगा बस। अभी सरकार तो ये दावे करती है कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, रोजगार के काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पेशा जो है ये टूरिस्ट के साथ है, सबसे ज्यादा जो भी पेशा है ये टूरिस्ट के साथ बसता है। नौकरी वो करेगा जिसने डिग्री हासिल किया होगा। हम डिग्री हासिल करने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिली है नौकरी, ऐसा कहना है? गवर्नमेंट का काम है, तो हमारा बच्चा उतना पढ़ा लिखता नहीं है इधर, ज्यादा से ज्यादा 16वीं 17वीं तक पढ़ेगा बस, उसके अलावा उसको हमारे पास बजट ही नहीं है उतना। इसके बाद क्या काम करवाएंगे आप उनसे, क्या काम करते? वही मजदूरी करता तो और क्या करेगा, क्या कर सकता है और? उतना उसके पास करोड़ रुपया नहीं है, कोई फैक्ट्री ले लेगा, कोई बिजनेस खोलेगा, मजदूरी करने के लिए है वो बस। चलिए अभी हम आगे और बढ़ते गए तो हमें और भी लोग मिलते गए, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है, और वो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, उनके पास मौका है अपना प्रतिनिधि चुनने का, तो वो किसे चूज करना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी, और 10 साल बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, किसे आप चूज करेंगे आज, किसे आप चुनना चाहेंगे? आज हमको वो सरकार चाहिए जिससे हमको रोजगार यहाँ मिलेगा। हाँ, हमको यहाँ आप सब गोड़ी वाले आप बैठते हैं आज, किसी को आज काम नहीं चलते, क्योंकि यहाँ आप सब आते, यहाँ सब बैठते हैं, यहाँ और क्या, हम वही चाहेगा उसको, हमारा भी कुछ गरीबों का भी काम करेगा। अच्छा, अभी आपका इतने सालों से, आप कितने सालों से काम करते आ रहे हैं? लगभग हो गया 30 साल यहाँ काम कर, 30 साल हो गए, तो तकलीफ कब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हो गया 1-2 साल हो गया आज, 2 साल से आपका धंधा जो है एकदम कम होता जा रहा है, धीमा होता जा रहा है, ज़्यादा ही बंद हो गया, आते से ज्यादा। आज तो गाड़ी चलते हैं यहाँ, हम काम करते हैं यहाँ, गाड़ी चलते हैं आज, अगर हम कुछ कमाएगा वहाँ स्टैंड में गाड़ी रखते हैं, यहाँ हम कुछ कमा सकते हैं, लेकिन आज गाड़ी यहाँ आते तो हम कहाँ कमाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं अगर कुछ होना चाहिएगा, हमको भी रोजगार मिलेगा, इसी चीज़ के लिए हम यहाँ। तो फिर भी आप कुछ बताएंगे कि आप किसे अब देंगे मतदान करने जाएंगे, तो किसे चुनेंगे आप, कदम वोट किसे देंगे? वोट हम तो नेशनल को डालते हैं, आपको उम्मीद है वो आपकी मतलब पूरी करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है? करते पूरी, क्योंकि हर साल जब तक नेशनल का हुकूमत होते हैं तब तक हमारे काम चलते हैं। हाँ हाँ, उस टाइम ये परेशानी हमको नहीं, जब समय ये परेशानी नहीं, जब तक नेशनल हुकूमत उमर अब्दुल्ला यहाँ होते हैं तब तक हम पूरा काम करते हैं यहाँ, लेकिन आज हुकूमत कुछ नहीं था, हमारे काम ऐसे ही चलते, ये सबको पता है, आज हमारे रोजगार बनते हैं, हम गाड़ी वहाँ से लाते, गाड़ी और गंडोला के पास पूरा गुलमर्ग का साइड सीन घूमते गाड़ी में, तो घोड़े वाले ऐसे बैठते स्टैंड में आकर, हम लगभग 2-4 घंटे लगते आने में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कमाते थे। फिर आप कितना कमा लेते, कितने टूरिस्ट आपकी मतलब घोड़े पर बैठकर जाते हैं? कमाएगा टूरिस्ट आएगा, हम रुपये 1,000-1,500 भी कमाएगा, 2,000 भी कमाएगा, लेकिन आज वो काम हमको आज कुछ नहीं, हम कमाते हैं अभी वही कमाई नहीं हुई, नहीं आज वही भी नहीं हो गया। कितने बजे से आ जाते हैं आप यहाँ पर? हमको मतलब हो गया इतना टाइम आज आते, आज हो गया लगभग 4 दिन। आप कितने बजे आप यहाँ पर आते हैं ताकि आपको मतलब आपकी कमाई हो सके? 8 बजे से जाते। कितने बजे? 6 बजे वहाँ वापस जाते हैं। तो रोज कितने मतलब आपको मतलब कह सकते हैं कितने टूरिस्ट बैठ के जाते हैं आपके घोड़े पर? टूरिस्ट 1-2 बैठते हैं, बस 1-2। हाँ, ज्यादा नहीं, इतना लंबा हो जाएगा। 2 साल पहले था तो तब कितने बैठ के जाते थे? अगर लंबा होते है तो एक ही बैठेगा, अगर नजदीक यहाँ से घूमेगा 2-4 भी बैठेगा। 2 साल पहले आपका ठीक चलता था, आप जो है लगातार क्या है आपका जो धंधा है ना कम होता जा रहा है, जब से वो पार्किंग का चेंज कर दिया गया है आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। तो लगातार हम डीबी लाइफ की टीम लगातार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करती रहेगी और ऐसे ही लोगों से मुलाकात करते रहेंगे और उनकी परेशानियाँ जो भी होंगी हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे।